entertainment mirchi masakali matakali masakali matakali फिर से भारती। आपको क्या लगा था सोनम कपूर आ गई ना मेरी फिगर मेरी ड्रेस से, क्योंकि ऐसे कपड़े सोनम के ही होते हैं। सच्ची में थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सर मैंने ना अपना काम कुम चेंज कर लिया है। लॉकडाउन में ना सर सब घर बैठे थे ना, कॉमेडी सिंगिंग भी नहीं चला कुछ इतना। लॉकडाउन में मैंने सिंगिंग शुरू की, मास्क बेचने शुरू किए, और हाँ मैं वही बता रही थी कि सर हाय मैंने मास्क का काम शुरू किया है और मैं काफ़ी मास्क का काम मेरा चला भी है, मैंने काफ़ी लोग भी रखे हैं उसके लिए। मैं अभी बुलाती हूँ, भैया वो मास्क की रेकड़ी लेकर आओ जरा। ये देखिए। तो पहले सिंगिंग का शौक चढ़ा था आपको? हाँ जी हाँ जी। अभी मास्क बनाने का शौक? मास्क का सर। क्या बात है, क्या बात है। हाँ सर ये देखिए सर मास्क, मैं मतलब सेलिब्रिटी के हिसाब से मास्क बनाती हूँ, जो जैसा बंदा उसके हिसाब से मास्क। कैसे मतलब ये क्या अलग कर रही हो इससे? सर एक बहुत महंगा मास्क है, वो मैं यहाँ पे लेके नहीं आई, वो मैं आपको पीछे स्क्रीन पे दिखाती हूँ। दिखाइए जरा मास्क। ये सर क्या बात है, वाइपर वाला मास्क। यस यस यस, ये सर मेरी जो फेवरेट सिंगर है नेहा कक्कड़ जी के लिए है। आपने देखा होगा रियलिटी शो में नेहा कक्कड़ कितना रोती हैं, इतना रोती हैं कि उनकी आंखें इतनी लाल हो जाती हैं कि उनको पता नहीं चलता कि उनके बगल में बीबराग बैठे हैं या विशाल जी बैठे हैं। ये जो डबल मास्क है, ट्विन मास्क, मैं अभी दिखाती हूँ सर आपको। ये देखिए ये मास्क, इस मास्क का नाम है सर शंकर एहसान लोय मास्क। क्योंकि हम नहीं चाहते कि जोड़ियां खराब हो, इसीलिए मैंने तीनों एक साथ बनाए हैं। ये उन तीनों म्यूजिक डायरेक्टर के लिए एक साथ सर। लेकिन ये मास्क का फायदा बहुत है सर, बहुत फायदा। आप पार्टी बूटी में जाएंगे ना, जेब से निकाला, इधर चखना, इधर समोसा, इधर चखना, बस ये हो गया। ऐसे करके कमर में बांध लिया और खाते गए निकलते गए बस। किसी ने आपको फोन किया है मास्क बनाने के लिए? कोई आपको फोन बनाया है? श्रेया जी, नीति मोहन जी, हर्षदीप, श्वेता पंडित, सबका फोन आ गया, क्योंकि मम्मियाँ बन गई है ना, आधी बन गई आधी बन रही है, तो उनका फोन आया। कहती भारती हमें कुछ ऐसा मास्क चाहिए जो हम मुंह पे भी लगाएं और जब मन भर जाए तो बच्चे को डाइपर बांधें। ऐसे करके लगाना, बाद में ऐसे करके टांगे खोली और बच्चे को चढ़ा दी। हम सब जानने के लिए इच्छुक हैं, एक हमारे बड़े फेवरेट कंपोजर हैं। हाँ जी सर, हिमेश रेशमिया जी। हिमेश जी के लिए, यस सर, उनको कैसे भूल सकती हूँ, मेरे फेवरेट है ये। उनके लिए, हिमेश जी के लिए रोटी वाला मास्क। हाँ? क्योंकि वो हर कंटेस्टेंट को पकड़ के कहते रहते थे मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए रोटी। तो ये तो सारे म्यूजिशियंस हो गए। किसी फिल्म एक्टर ने आपको बोला है मास्क बनाने के लिए? हमारे खिलाड़ी अक्षय कुमार जी ने बोला आपको कुछ? नहीं सर, उनका मास्क बनाने के लिए मैं तरस गई हूँ सर। और मुझे लगता है कि अक्षय भाई चाहे मुझसे मास्क खरीदे ना खरीदे, लेकिन हाँ मास्क के ऊपर फिल्म जरूर बना देंगे 6 महीने बाद, देखना आओ बहू मास्क पहने। अच्छा तो यहाँ पे जो सिंगर्स बैठे हैं इनमें से आप किसका मास्क डिजाइन करना पसंद करें? ध्वनि भानुशाली जी का मास्क बनाना चाहूंगी। अच्छा, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, उनके गाने भी बहुत अच्छे लगते। कितनी पतली है, पर मुझे लगता है कि उनको मास्क देने से पहले उनकी बॉडी पे मास्क चढ़ाना पड़ेगा सर। तो ध्वनि आप प्लीज मुझे मिलिए और मैं आपको डाइट के साथ साथ मास्क फ्री दूं। और ये है हमारी प्यारी सिंगर पलक मुच्छाल का मास्क। ये देखिए, पलके भी हैं और मूछ भी है। क्योंकि इनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इनके और कंगना जी के बाल सेम है तो मीडिया इनकी तरफ आ जाता था, तो इसीलिए हमने इनके लिए मास्क बनाया ताकि दूर से लगे पलक मुच्छाल। बिजनेस तो बड़ा अच्छा है। थैंक यू सर। पर इसको प्रमोशन के लिए कोई गाना वाना बनाया है इसको? सर मुझे लगता है कि अभी ना गानों के वर्ड बदल जाने चाहिए। पहले होता था घूंघट की आड़ में, अब होगा मांस की आड़ में दिलबर का, ऐसे वाले। अच्छा वो मुझे भी दिमाग में आया क्या? मास्क में रहने दो, मास्क ना उठाओ, मास्क जो उठ गया तो वायरस घुस जाएगा। अच्छी मेरी तौबा, अच्छी मेरी तौबा। क्या बात है। मेरे लिए मास्क भी बनाया आपने, सबके लिए बना दिया मास्क। सर एक मास्क है हाँ। उस पे मास्क पे बड़ा ताला लगवाया है। अच्छा तो वो आपके लिए है सर। क्यों? क्योंकि आपके इंस्टाग्राम पे वीडियो बड़े लंबे होते हैं सर। मेरा देखो क्या छोटे-छोटे बनाते हैं। अरे रुको, 15 सेकंड के 15 मिनट का वीडियो और भी कुछ पूछना है। अरे पूछना है, छोटे